Hey gamers, what's up? Welcome back to the another one. आज हम जा रहे हैं Fortnite के अंदर ये 4 elements challenge के लिए, जहाँ पे हम ये 4 elements को ढूंढना पड़ेगा, include water bending, earth bending, fire bending, air bending, and ये सारे abilities को gain करना पड़ेगा. So before we jump into the adventure, make sure hit that like button and don't forget to subscribe the VC Craftsman play. I would really appreciate. Thanks. Let's dive into the game. Yo, so यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करते हैं एट नॉर्थ ऑफ ग्रैंड ग्लेशियर. यहाँ पे हमें एयर श्राइन मिल जाता है एंड एयर श्राइन से हमें एयर बेंडिंग मिल जाएगा, जो हमारा सबसे पहला एलिमेंट होगा. सो लेट्स गो एंड फाइंड इट. सो हियर वी गो. मुझे यहाँ पे एंग दिख रहा है, उसका एनपीसी कैरेक्टर. सो सबसे पहले इससे मिल लेते हैं. सो येरा, इसको ई दबाता है. येरा ये कुछ कहना चाहता है हमसे. इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ एयर बेंडिंग. ओह रियली, मुझे नहीं पता था सच में. सो एनीवे, ये श्राइन को ओपन करता है. So we got it our first element, so इनको अपना inventory में रखते हैं and also यहाँ से कुछ materials collect कर लेते हैं, you know, just in case. So ये रहा, wait, just look at him, ये कर क्या रहा है? Really guys, ऐसा पहले कभी नहीं देखा मैंने. Anyway, अब इस airbending को test करते हैं, I mean इसका एक ride लेते हैं. So let's go guys. Whoa guys, really it is amazing. I know guys, मैं थोड़ा over कर रहा हूँ, but really मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको use करके. Really this is amazing. So अब हम जाएंगे दूसरा element को ढूंढने, जो north west में है. So वहाँ पे हमें ये मिल जाएगा. So अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. तो हमारे पास एक map है जो हमें ये बहुत ही मदद करता है ये element को track करने में. यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, जहाँ जहाँ ये तुम्हें symbol दिख रहा है वहाँ पे हमें ये element मिल जाता है. सो चलो ढूंढते हैं इन सारे एलिमेंट को एक एक करके इस मैप के द्वारा. सो ये रहा, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं वाटर श्राइन. वेट, समवन इज देयर. वेट, ये बंदा, ये बंदा क्या कर क्या रहा है? ये मतलब ये थोड़ा सा हमने भी नूप था. ये साउथ वेस्ट में फायर हो रहा है. सो जल्दी से इसको पिक करते हैं. वाटर, ये कौन सा है? वाटर बेंडिंग. सो इसको अपना इन्वेंटरी में रख देते हैं. ये बैरल्स मुझे दिख रहा है इसको. चलो हमारा शील्ड फुल हो गया. सो इस वाटर, ये वाटर बेंडिंग को देखो, ये इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं हम लोग. यह बहुत ही पावरफुल है. सो अब चलते हैं ये साउथ वेस्ट में. सो साउथ वेस्ट में चलते हैं, वहाँ पे फायर हो रहा है. सो इस बंदे को देख लेते हैं यहाँ पे. ये क्या, बहुत ही ईजी था. सो अब हम जाएंगे रेबल रूस्ट, जहाँ पे हमें मिल जाता है वो फायर बेंडिंग. सो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं. यहाँ पे वेट, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक, यू नो, खतरनाक बैटल हुआ था. सो यहाँ पे कोई बंदा आसपास ही होगा. यहाँ पे ये रहा, मुझे फुटप्रिंट दिख रहा है. वेट, ये भी एक नहीं, दो फुटप्रिंट. ओ ये सिर्फ गार्ड था गाइस. इन गार्ड को मार के कोई फ़ायदा नहीं है. चलो अब हम लोग अपना मिशन पे चलते हैं. हमें वो जल्दी से वो फायर बेंडिंग को ढूंढना है. सो लेट्स गो. यहाँ पे हमें जूको भी मिल जाता है, यू नो, एंग का पुराना दुश्मन. तुम लोग जानते ही होंगे, मतलब अगर तुम लोग ये शो देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. सो इनसे बात करते हैं. सो हेलो जूको. सो ये हमसे कुछ कहना चाहता है. आई हैव स्पेंट इयर्स ट्रेनिंग फॉर दिस डे एंड यू आर जस्ट अ चाइल्ड. एक्चुअली इसको ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये 100 ईयर्स के बाद इसको देखता है एंड देखता है तो मे बी इसने एक्सपेक्ट किया था कि ये कितना बड़ा एंड स्ट्रांग होगा, बट निकलता है तो सिर्फ बच्चा ही. सो इसीलिए इसको ऐसा बोला है. मतलब स्टोरी ये है, मान लो ए और बी के बीच में बहुत बड़ा बैटल हुआ था. ए को मान लेते हैं एयर बेंडर्स, बी को मान लेते हैं फायर बेंडर्स. सो बी वाले जो है वो ए वाले टीम को सबको मार देता है एक्सेप्ट एंग, जो ए के टीम में था. बट जब ये बैटल हो रहा था तब वहाँ पे एंग मौजूद नहीं था, क्योंकि वो आइसबर्ग में फंस जाता है. फिर आता है दूसरा सीन, 100 ईयर्स के बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है आइसबर्ग से. इसीलिए इसको लास्ट एयर बेंडर भी कहा जाता है. सो मेरा पॉइंट ये है कि इसीलिए जूको ने इसको ऐसा कहा कि आई हैव स्पेंड ईयर्स ट्रेनिंग फॉर दिस डे एंड यू आर जस्ट अ चाइल्ड. सो मतलब कोई भी सोचेगा यार, मतलब 100 साल में कैसे, मतलब वैसा का वैसा ही रहता है. सो इसीलिए उसने थोड़ा, मतलब उसको ऐसा कहा. एनीवे, सो हमारे पास 3 एलिमेंट आ चुका है. तो इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, यू नो, ये फायर बेंडिंग को. वाओ गाइस, आई लाइक इट. बहुत ही पावरफुल लग रहा है, मतलब 40 डैमेज देता है. ये मुझे बहुत पसंद आया. चलो अब यहाँ से चलते हैं. सो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग. यहाँ पे अर्थ, यहाँ पे हमें अर्थ बेंडिंग मिल जाएगा. सो चलो इसको भी हम लोग यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं. यहाँ पे कोई है क्या? यहाँ पे मुझे फुटप्रिंट दिख रहा है. मैं इसको ब्रेक लगाता हूँ. ए यहाँ पे मुझे दिख चुका है, वो स्नाइपिंग कर रहा है इतना सामने से. वेट, आई स्टक रियली. ये रहा 72. ये बहुत ईजी था. सो ये रहा अर्थ बेंडिंग को पिक करता है. इसको लेके हमारे पास 4 एलिमेंट आ चुका है. सो इसको टेस्ट करता है यहाँ पे. ये रहा, एक बंदा भी आ रहा है. वेट, ये जस्ट यहाँ पे है सामने में. उसके पास भी अर्थ बेंडिंग है. वाओ, दैट इज अमेजिंग. इसको मैं ये वाटर बेंडिंग से मारूँ इसको. वेट, वो स्नाइपिंग कर रहा है वहाँ से. वाओ, ये बहुत ही क्लेवर लग रहा है मुझे. सो वेट, ये ऊपर में. ये रहा, ये थोड़ा प्रो लग रहा है मुझे.
यू नो जिस तरह से ये बच रहा है. ओह शिट स्टक. ओह शिट मैं यहाँ से थोड़ा निकल रहा हूँ यहाँ से. यू नो बहुत ही डैमेज हो चुका हूँ मैं. वेट जस्ट अ सेकंड. वेट आने दो उसको. ये वहीं यहीं पे आ रहा है. आने दो वो. सो ये रहा. ओह शिट. पहले अपना हेल्थ को मैं ये रिफिल कर लेता हूँ. यू नो ये सही नहीं है. उसको भी बहुत डैमेज दे चुका हूँ. यू नो मुझे लगता है वो भी चला जाएगा. ये 71. यस आई गॉट इट. सो ये रहा. इसको लूटते हैं यहाँ पहले. यू नो मेरा हेल्थ देखो यार. मेरा हेल्थ को पूरा डैमेज हो चुका है. उसको रिफिल कर लेता है. यू नो यहाँ पे वाटर. सो ये रहा फुल. यहाँ पे कोई फायर कर रहा है. यू नो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं. ये सामने में आ चुका है बट यहाँ से निकलना पड़ेगा. सो लेट्स गो. सो ये रहा हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं साउथ वेस्ट में. ये एफ्रोडाइटी को मैं इसको हायर करता हूँ. यू नो टेक हार्ट. सो इसको हायर कर लिया हमने. इसको पिक कर रहा हूँ मैं. सो ये रहा यहाँ पे कोई है. वेट एक बंदा है यहाँ पे. सो ये रहा इसको अर्थ पेंडिंग से ही मारूंगा. गया एक. यस इजी टू इजी. सो अब यहाँ से चलते हैं. सो यहाँ तक आ चुके हैं. ओनली 7 पीपल लेफ्ट. सो यहाँ पे फायर हो रहा है. यू नो ये नॉर्थ ईस्ट में ये रहा बंदा. यहाँ पे है ये स्टोन के ऊपर. ओह शिट वो मुझे देख लिया. रियली यहाँ पे दो बंदा है. यू नो यहाँ पे कोड़ा है. ये कौन है? कोड़ा है. यस 85. उसने भी मुझे डैमेज दिया. मैंने भी दे दिया बट वेट उसको वो ज़्यादा डैमेज हुआ. मे बी दोनों सेम एक्चुअली. उसको मैं चेसिंग कर रहा हूँ. वेट ये यहाँ पे है साउथ ईस्ट में. ये साउथ ईस्ट में उसके पास भी वो सेम हम लोग के पास मतलब इक्वल है हम लोग. उसके पास भी एक हायर वाला कैरेक्टर है. वेट आई स्टक. वेट ये बंदा मुझे नहीं दिख रहा है. यहाँ से मैं निकल रहा हूँ. तो वही देख रही है ना मेरा HP देखो 83. जल्दी से यहाँ से चलते हैं. ये रहा इसको रिफिल कर लेते हैं. यहाँ पे कोई नहीं है. थैंक्स एफ्रोडाइटी. सो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग. थोड़ा बच के जस्ट थोड़ा मैं यहाँ पे रेस्ट कर लेता हूँ. यू नो यहाँ से मुझे एक शील्ड दिख रहा है. इसको पिक कर लेता हूँ. यू नो क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं है. ये बंदा यहीं पे हो सकता है. ये कहाँ है मुझे दिख नहीं रहा है अभी बट ये रहा यहाँ पे है. ये मेरे सामने में रहा. ये गया 80. यार फिर से ये भाग रहा है. इतना डैमेज दे चुका हूँ मैं इसको. ये फिर से भाग. चलो इसको चेसिंग करते हैं. मतलब मैं जब तक इसको मार नहीं लेता हूँ मुझे मतलब सेटिस्फाई नहीं मिलेगा. यू नो मुझे सेटिस्फाई मिलेगा. सो ये रहा. ये कहाँ जा कहाँ रहा है भाई तू. ये रहा ये कोड़ा. ये कोड़ा ही है ना. यस कोड़ा ले कोड़ा. ये इससे बच के निकल गया. ये क्या इसके पास क्या क्या था. इसके पास कौन सा वो बबल शील्ड है. नो मेरी ये थोड़ा मतलब मुझे मतलब ये बचने में बहुत ही एक्सपर्ट है. यू नो 84 फिर से. नहीं फिर से बच के निकल गया ये. चलो इसको फिर से पीछा करते हैं इसको. सो मेरा वेट मेरा हेल्थ देखो यार. ये गया यहाँ पे हो सकता है. इसका फुटप्रिंट तो दिख रहा है मुझे. ये यहाँ पे है. यहाँ पे मुझे मिला. ये गया ये गया 48. फिर से डैमेज दे चुका हूँ मैं. फिर से मत भाग जाना. वेट थोड़ा सामने में जाना पड़ेगा. ये यहाँ पे एक और प्लेयर है बट भाई तुझे मैं छोड़ रहा हूँ. मैं इसको पकड़ना है मुझे. सो ये रहा मेरा टारगेट. ये नहीं ये फिर से भाग रहा है. रियली ये यार मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहा है. यू नो मैं भाई तुम लोग को छोड़ रहा हूँ. मुझे इसको पकड़ना है. ये कहाँ जा रहा है. ये नॉर्थ में जा रहा है बट ये फिर से आई मिस. रियली ये बंदा मुझे थोड़ा टफ लग रहा है. यू नो यहाँ से ये मतलब भागने में एक्सपर्ट होगा. ये यहाँ से वहाँ से ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है. यू नो और ये गुस्सा भी दिला रहा है मुझे. तो ये यहाँ पे छुपा हुआ था. ये गया फिर से. ये फिर से भाग गया. ये फिर से निकल गया. शिट यार मैं कितना आई सक. यू नो यहाँ पे कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या. वेट बट मुझे इसको ही देखना है. मुझे इसको ही पकड़ना है जब तक मैं इसको. ये कौन गया. ये एफ्रोडाइटी गया यार जिसको मैंने हायर किया था. वेट कितना सारा बंदा है यहाँ पे. यू नो
ये बंदा कहाँ चला गया, ये रहा नॉर्थ ईस्ट में, ये स्टोन ये कब फिर से गया ये रियली, तू कब तक बचेगा मेरे से गया। ये मुझे थोड़ा सा गुस्सा दिला रही है ना, ये बुश के अंदर है क्या, नहीं नहीं ये वहाँ से फुटप्रिंट दिख रहा है मुझे, बट ये बुश के अंदर नहीं है, ये यहाँ पे आया था, यहाँ से वैनिश हो गया, ये यहाँ पे होगा मे बी, ये रहा फुटप्रिंट दिख रहा है मुझे, ओह शिट उसने मुझे डैमेज दे दिया, ये है कहाँ पे, ओह शिट ये ऊपर में था मैंने देखा ही नहीं इसको रियली, भाई तुम्हें ये जा कहाँ रहा है, ये फिर से भाग रहा है, दैट गाय रियली सक्स यू नो, ये मतलब आई नो मुझे ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, फिर भी ये बार बार मतलब ऐसे ही करता है यू नो, मतलब यूजुअली जब प्लेयर के पास हेल्थ कम रहता है तभी भागता है, मतलब ये थोड़ा कॉमन है, जब भी मैं भी अगर उसके जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता, सो आई गेस ये हो सकता है कि उसके पास हेल्थ कम है इसलिए भाग रहा है, मुझे मिस जज नहीं करना चाहिए यू नो, सो ये रहा बंदा वहाँ पे नॉर्थ में, लोग वहाँ पे लड़ रहा है यू नो, सो ये रहा ओके यहाँ से मुझे निकलना पड़ेगा, सो यहाँ ये एक बंदा गया, सिर्फ एक बंदा बचा है, मे बी वही बचा होगा आई गेस, वही बंदा बचा हो क्योंकि वो बहुत ही क्लेवर है यू नो थोड़ा, सो ये बंदा आ रहा है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे नहीं दिख रहा, ओ ये रहा यहाँ नीचे में, ये बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, सो इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मुझे डर है कि ये यहाँ पे रिफिल ना कर ले पूरा और मेरे पास ये हेल्थ वगैरह कुछ भी नहीं है यू नो, सो आई गेस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, सो लेट्स गो यहाँ से सेफ जोन पे चलते हैं, वो अभी भी वहीं पे फंसा हुआ है, सो आई गेस यहाँ पे जोन बन सकता है, सो ये रहा यस आई विन, बट एक तरफ से खुशी भी हो रहा है तो एक तरफ से दुख भी हो रहा है मुझे, सो या सो हमने फोर एलिमेंट चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, सो या आज के लिए बस इतना ही है, अगर यहाँ तक आ चुके हैं सो गाइस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीसी ग्राफिक प्ले, आई वुड रियली अप्रिशिएट, थैंक्स, थैंक यू गाइस, लव यू, बाय, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे।